पेटेंट फाइल माने कोई सोच है उसको रजिस्टर करने की बात है। चाइना में 15 लाख पेटेंट फाइल होती हैं। पहले गुजरात में बहुत सी कम पेटेंट फाइल होती थी, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री श्री ने तय किया है कि स्टूडेंट्स के साथ रहकर हमें भी बहुत अच्छे से पेटेंट्स गुजरात पूरे भारत में बनानी है। तो इसके लिए एक आह्वान दिया है। आज पूरे देश में 35,000 पेटेंट्स फाइल होती है। हमारे गुजरात ने तय किया है कि हम उसमें लीड लेंगे, क्योंकि जो भी कुछ अच्छा होता है वो गुजरात से ही होता है, जो भी टॉप में होता है वो गुजरात में होता है। तो हम इस पेटेंट फाइलिंग में भी आगे रहे। 35,000 की जो तय किया है उसमें से एक ही साल में गुजरात ने 800 पेटेंट फाइल किए हैं। ये पेटेंट फाइलिंग क्या है, IPR क्या है, यानी कि एक प्रॉपर्टी जो है जो फिजिकल नहीं है, इंटेलेक्चुअल है, उसका राइट्स आपको मिलता है। वैसे हमारे जमाने में अगर किसी को प्रॉपर्टी का राइट चाहिए तो वो जब पढ़ के आगे बढ़ेंगे, कुछ अच्छा रोजगार करेंगे, कुछ अच्छी नौकरी करेंगे, फिर उसको कोई फिजिकल प्रॉपर्टी की वो राइट्स मिल पाएंगे, कोई फिजिकल प्रॉपर्टी परचेज कर पाएंगे। लेकिन ऐसा अब नहीं है। अब तो युवा वर्ग भी पढ़ते पढ़ते अपनी पढ़ाई के दौरान ही ऐसी प्रॉपर्टी के राइट्स ले सकते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स IPR लेने के लिए बहुत कठिन है, लेकिन आपके लिए नहीं है, क्योंकि आपके साथ गुजरात सरकार है। गुजरात सरकार ने तय किया है हमारे बच्चों अगर पेटेंट फाइल करेंगे तो, अगर देश में करेंगे तो उनको एक पेटेंट पे 25,000 रुपया, और अगर इंटरनेशनल करेंगे तो 1,00,000 रुपया। उसके बाद भी अगर कुछ जरूरत पड़ी तो उसके बाद भी हम आगे सभी तरह की सहयोग करते हैं। पेटेंट फाइलिंग में कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोर्ट में भी जाना पड़ता है, क्योंकि कोई और लोग बताएंगे कि तो मेरी पेटेंट है, तो उसमें भी फाइट करनी पड़ती है। उसमें भी गुजरात सरकार आपके साथ खड़ी है। 2017 से SSIP जो बना है उसमें एक साल में 800 पेटेंट फाइल हुए, लेकिन इस साल मैंने हर यूनिवर्सिटी को बताया है कि इस जो हमारी जो पेटेंट फाइलिंग की जो हमारी रेस है उसमें हमसे कोई आगे बढ़ना नहीं चाहिए, गुजरात उसमें टॉप ही रहना चाहिए। अभी तो 800 है, लेकिन उससे भी आगे बढ़ना है। अगर टॉप पे है तो उसपे टॉप पे पहुंचना है, और टॉप पे पहुंच के उस पेपर बने रहना है, उसके लिए भी हमको सबको आगे बढ़ना है। अगर चाइना ये कर सकता है तो गुजराती क्यों नहीं कर सकता है। हमारी हर यूनिवर्सिटी अगर 100 पेटेंट हर साल फाइल करेगी, हमारे पास मोर देन 75 वैसे 77 यूनिवर्सिटीज हैं, अगर हर यूनिवर्सिटी 100 पेटेंट फाइल करेगी तो पूरे साल में 7,000 से भी ज्यादा, 7,700 से भी ज्यादा हमारी पेटेंट फाइल होगी, और इस तरह हम आगे बढ़ के गुजरात में देश का नाम रोशन करने के लिए मेरे बच्चे जो तैयार हैं, और चाइना को हर तरह से हमने चुनौती दी है, उस चुनौती में भी हम कम नहीं रहेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो आइए हम भी चाइना से कम नहीं है। आज चाइना हर तरफ से सभी जगह पे अपने एक धाक बना के बैठा है, लेकिन भारत देश उसको चैलेंज दे रहा है कि हम आपसे कहीं कम नहीं है। तो उस चैलेंज में गुजरात आगे बढ़ेगा, और गुजरात के हमारे युवा वर्ग उसमें भी टॉप रहेंगे, क्योंकि हमारे पास बड़ी सोच है, हमारे पास नया उत्साह है। गुजराती लोग की एक पेटेंट है वैसे कि कुछ अच्छा करना, बड़ा करना, नया करना, ये सर्विस ओरिएंटेड नहीं है, कुछ बिजनेस ओरिएंटेड है। तो उसके लिए ये सभी जगह से सपोर्ट गुजरात सरकार से मिलेगा। तो आप भी अपना पेटेंट फाइल करने की, आपके पास अच्छी सी सोच तो है, लेकिन ये सोच आपकी ही है, उसके आपका ही राइट्स है, इसके लिए ये IPR बनाने की जो बात है उसमें भी आप सब लोग आगे बढ़ेंगे। युवा वर्ग को मैं आह्वान करती हूँ, आइए हम चाइना से फाइट करने के लिए पूरा देश में सबसे ज्यादा गुजराती युवा वर्ग उसमें IPR में आगे रहेंगे, सबसे आगे रहेंगे। यही बात।